islands of Manipur, Tripura, Guwahati. ये तो recent lot से 20 की अभी नया है lot से. नहीं उसी का CRPF कहीं. इन्होंने और इसमें lot से भी इन्होंने दिखाया था हमको. मैं lot से पढ़ता हूँ. The petitioner has applied. एक काम करो, ऐसा करो, इसको बम्बई ले जाओ. बम्बई से lot से अब श्रीमान देख लें कि अब बम्बई का हमारे हिसाब से तो नहीं केस बनता आपका. एक बार जो चीज सामने आ गई नहीं नहीं लॉर्ड से उसके बाद क्या मैनिपुलेशन किया आपने, क्या सारे ऐसे इम्प्लीकेशंस के. अगर यदि आपने अगर गलती से आजकल लॉर्ड से ऑनलाइन ही मंगाते हैं और ऑनलाइन भरते समय अक्सर ये गलतियां जो है ना कहीं जो भरने वाले हैं और वो वैसे भी रिजर्व क्लास का कैंडिडेट है, अगर यदि भरते समय अगर जरा सा भी सर्टिफिकेट है उसमें केवल इन जो डिस्ट्रिक्ट है वो केवल गलत भरा हो गया है. मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और मैंने दोबारा भी इनको बना करके वहां का भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तारीख को आपने जो सबमिट किया है वो उसी डॉक्यूमेंट को हम चाहिए. अब डॉक्यूमेंट में लॉर्डशिप अगर डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया है, अगर यदि माननीय न्यायालय भी अगर यदि ऐसे केसेस में लॉर्डशिप अगर यदि इसको अगर हमारे यहाँ करना है तो आई एम डिसमिसिंग योर पिटीशन. और साहब मैंने आज इसलिए तो जो है श्रीमान के सामने आरू करने की प्रयास किया कि श्रीमान जो है ना अच्छे तरीके से दिल में आ बिल्कुल नहीं ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि ये काम मैं लॉर्डशिप को सपोर्ट कर रहा हूँ. मेरे पास जजमेंट है लॉर्डशिप अगर आई डोंट एग्री विद दैट जजमेंट. श्रीमान अगर यदि हो जाएगा उसका वो बेचारा सिलेक्टेड है. देखो भाई ऑर्डर लिखो चलो से हम मुराद हम डिसमिस करने पर हैं. आप श्री विल नॉट एक्सेप्ट चांस वाला मामला नहीं है लॉर्डशिप मेरा ये श्रीमान से, क्योंकि ये श्रीमान अगर ऑर्डर करेंगे तो ये बहुत लोगों का लाइफ. नहीं नहीं ये और ऐसे लॉर्ड से बेनफियर डिसीजन. वी आर नॉट किंग्स, वी आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. अरे श्रीमान अभी किंग के रूप में बैठे हैं, कर जाएंगे तो लॉर्डशिप जो है कुछ थोड़ा सा नहीं है फिर याद लोग करेंगे साहब. उसमें भी बोलते जाए हम नहीं मान सकते आपकी बात को. आई एम नॉट किंग, आई एम ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. आई कैन ओनली इंश्योर एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स, नॉट नथिंग एल्स. फंडामेंटल वेलफेयर का है इसलिए मैं कह रहा हूँ वैसे नहीं किया तो नथिंग ऑफ दैट काइंड. इट्स अ पुलिस, इट्स अ बीएसएफ. नहीं एक बार लॉर्डशिप उसको करेक्शन करने का अगर ये मौका भी दे तो वो करेक्शन करने का, लेकिन इसमें देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ, शो मी दैट यू कैन करेक्ट इट. नो दैट बिकॉज वंस यू ओपन नहीं गुड नहीं डेवलप किया है ये केवल जो है इसको समझिए बात को. शर्मा जी ऐसा है कि आप तो अपना मुकदमा कर चल देंगे आप यहाँ से लॉर्ड्स. कल के दिन इसी से मिलते जुलते और मसले आएंगे जिसमें कहेंगे साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने ये मेंशन करना भूल दिया कि मैं फलाने केस में मेरा क्या दर्ज था. साहब मैं दिमाग में नहीं था, 10 साल पहले घटना घटी थी, मुझे पता नहीं था, तो साहब उसकी वजह से मुझे ना निकाला जाए. ये कई शेड्स होते हैं इन चीज़ों के. तो ये जो लैप्सेस हैं ये लैप्सेस इस प्रकार के होते हैं जिसमें एक बार इंटेलिजेंस दिया आपने कंपैशन के आधार पर, देन इट ओपन्स द फ्लड गेट. दैट इज द प्रॉब्लम. एंड देन वी कैन नॉट डिनाई. एक केस में किया दूसरे केस में करो, ऐसा नहीं हो सकता. आप एक कर दें और दूसरों को ना करें हम. नहीं फिर ये नॉन डिस्क्लोजर और इनकरेक्ट डिस्क्लोजर में अगर हमने इंटरफेरेंस किया, ऐसे ऑर्डर्स जो हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट. देन क्या होता है, आजाद पुनी के कोर्ट में जाओगे, ये मसला लेके जाओगे साहब मैंने तो सही लिखा था लेकिन वो टाइपिंग गड़बड़ हो गया, तो वो कहेंगे हाँ भाई ठीक करा दो. तो ऐसे हम कितने केस ठीक कराते रहेंगे हम. नहीं इसमें डिस्ट्रिक्ट कहीं था डिस्ट्रिक्ट. आप समझे नहीं बात को, आप अपनी बात कर रहे हो. बट दिस विल गिव राइज टू मेनी सच सिचुएशंस वेयर दैट विल टेंट अमाउंट टू आई एम अलाउइंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशंस फॉर द वन डिस्क्लोज इन द एप्लीकेशन फॉर्म.